हमारी गुलपोशी का यू करें, ये बोलो आपकी गुलपोशी इसलिए कर रहा हूँ, मैं गलियों में देख रहा हूँ फिर रहे पूरे, तो काम पे लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है। समझो दुल्ला खान, याकूतपुरे के वोटरों को सलाम बोलो आप, पूरे याकूतपुरे के वोटरों को, खास तौर से याकूतपुरे के गरीब खवातीन को सलाम मेरा। मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सी औरतें आते हैं, मैं बांट के बैठता हूँ, लेकिन मेरे पास का सिस्टम अलग है। मेरे पास घर में आके पूरे बैठते मैं पहले पूछ रहा हूँ किसको वोट दिए आप, पतंग बोलते मैं बोलता हूँ उठिए आप बाहर निकाल दो, मेरा अलग है सिस्टम। पतंग को वोट दिए दारुसलाम को जाओ, असदुद्दीन अकबरुद्दीन साहब बैठे हुए रहते, उनके ने नोटा रखे हुए निकाल के बांटते रहते, जाओ भाई ले देते माटी। वो नहीं देखे सदर साहब फीसों के भी पैसे दे रहे हैं, जाके फिर वापिस आते। नहीं नहीं सदर साहब फीसों के भी दो तीन पैसे दिए, वीडियो आया नहीं देखे? नहीं देखा हमने, गरीबों को पैसे दे रहे हैं फीस। अरे कितने गरीब, मिशनरी में मेरा बच्चा पढ़ रहा था, एमपी साहब कहने गए तो फीस दिए, बल्कि एक वीडियो आया ना, आया ना, एक वीडियो से क्या होता है? वो भी आते हैं, देखो बच्चे को काम करने की आदत नहीं है, आदत काम पे लगा रहे ना। आप इन लोगों को सब पे काम पे लगाओ। यार दारू सलाम में असद के सामने कुर्सी पे भी बैठ रहे लोग, कुर्सी आ गई कहीं को बोले तो याकूतपुरे की एक औरत गई, अकेले बैठते थे, माजूर भी रहा तो सामने नीचे बैठता था। नहीं आप कुर्सी आ गई, आज एक याकूतपुरे के कोई कल लेडी गई थी मिलने, तो एमपी साहब बोले याकूतपुरा सुनते बोले कहते कुर्सी दियो बोले, काम पे लगाना भी एक काम है, अखलाक भी सिखा रहे ना साथ में अखलाक भी। देखो कुर्सियां हैं, चेहरा है, यहाँ पे पड़े पानी का इंतजाम, पानी का इंतजाम, चाय का, खाने का सब इंतजाम है यहाँ पे, अल्लाह से हो रहा अल्लाह करा रहा हूँ, हम कौन है करने वाले, मिंजानी वल्लाह है। चलिए शुक्रिया। तो आवाम को मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं ये याकूतपुरे में हुआ तो इतना बदलाव आ रहा, जब पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट याकूतपुरा बन जाएगा तो सोचो क्या क्या नहीं फ्री में बटेंगे। साहब आपके क्या नाम उसका, रेवंत रेड्डी, यहाँ पे एमएलए हार गया कोड़ंगल में, हार के जाके मलकाजगिरी में एमएलए एमपी लड़ा, एमपी बन गया, आज चीफ मिनिस्टर बन गया। किशन रेड्डी अंबरपेट में एमएलए हार गया, जाके सिकंदराबाद में लड़के एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया। तो हमारे अमजदुल्ला खान को अल्लाह ताला एमपी बनाना चाह रहे होंगे, एमएलए हरा के एमपी बनाना चाह रहे होंगे। अभी हमारे सामने मिसालें हैं ना, बराबर अल्लाह एमपी बनाए, कौम का काम करे, पार्लियामेंट में करे आप खिदमत। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपको हैदराबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। आमीन। अजीज दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खास तौर से अमजदुल्ला खान खालिद की गुलपोशी क्यों किया, एक सवाल आपके जहन में गुंजरा होगा। तो आज की स्ट्रीम लाइन है, काम पे लगाना भी एक बहुत बड़ा काम है। आज याकूतपुरे में नहीं बल्कि हैदराबाद के पूरे हलकों में हर जगह काम पे लगे हुए फिर रहे हैं। अमजदुल्ला खान ब्लैंकेट बांटते ही ब्लैंकेटा लेके बांटना शुरू कर दिए, इन्हों जैकेटा बांटते ही गलियों में निकल गए। अब इन्होंने जो राशन बांटे तो अब राशन नहीं बांटा, तो मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई जैसा इनो करे वैसा तुम कर रहे ना, तो राशन बांटो। और दवाखाने के अंदर 2024 के इलेक्शन की तैयारी हो रही, असरा दवाखाने में लिख के लगाए दखन मेडिकल कॉलेज में के डिलीवरी फ्री, यानी नॉर्मल डिलीवरी फ्री, डिलीवरी में तो कैटिज्म की डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी तो वैसे फ्री रहती है, नॉर्मल डिलीवरी फ्री। आम लिख के लगाओ कि तमाम गरीबों का इलाज फ्री, तो खुशी होंगी जो गरीबों से वोट लेते हैं, वो लिख के लगाओ तमाम गरीबों को हम कार्ड बना के देंगे। यहाँ देखो बैठे बैठे हमारे मौर बहने, देखो आप ये कितने आई है, कैसे है देखो आप, पूरे बीमार है ये ज़ईफ़ा बीमार, किसी की आँख का ऑपरेशन होने का है, किसी का जो है किडनी का प्रॉब्लम है, कोई कैंसर का मरीज है, किसी के बच्चे बीमार है, सर्दी में गोदों में लेके खड़े हुए है, इधर आदमियाँ खड़े हुए है, ये सारे मरीज आई है। तो आप जो है एक एमएलए साहब याकूतपुरे के आके बोल रही, जो एमएलए नहीं है उन्होंने लोग बोल रहे हैं अमजदुल्ला खान को भूला गए को पिना रहे हैं, एक अच्छा सवाल है, इसीलिए पिना रहे हैं इन्होंने एमएलए है बोल के पब्लिक को मालूम है, 800 और चोरी के है बोल के मालूम है, तो एमएलए हमारा ये है बोल के अमजदुल्ला खान को फूला पिना रहे, जितने फूला यहाँ पिना है उसके चारा ने भी इन लोगों को नहीं पिलाया, कोई एमएलए को फूल नहीं पिना है कोई, कि आवाम को मालूम है कि चोरी के वोटों से जीते। एक दूसरी चीज, दारुसलाम बैंक के अंदर जो सोना है गरीब औरतों का, ये बात उसके ऊपर से सूद माफ करो,
खाली सूद माफ कर दो, सूद माफ कर दे के उनका सोना उनको वापिस दे दो, ऐलान करो घर जो रहे ने उसका सूद माफ करके दे डालो, फौरी दे दो। तो आवाम के लिए कुछ काम करे सरकार। ये जो गलियों में फिर रहे ना मोरिया ढकने लाइट के नाला जो साफ करा रहे, एमपी साहब बुला के मीटिंग ले रहे, तो आवाम ये पूछो ये अमजदुल्ला खान के पास इतनी पब्लिक कई को है, सैयद सलीम के घर पे इतनी पब्लिक कई को है, ये औरतें क्यों हैं? ये लेडीज जो है, ये लेडीज पतंग को भी 48 है, यहाँ पे नहीं पूछते अमजदुल्ला खान, मैं भी नहीं पूछता, क्या किसको वोट डाले नहीं पूछते यहाँ पे, या एमआईएम के लोग भी है तो काम करके देते हैं, दिल बड़ा है इनका, मगर सवाल ये है कि वोट आप ले लेते और हम को छोड़ देते, ऐसा बेसहारा छोड़ देते, परेशान कहाँ जाना है लोग, ये बीमार लोग कहाँ जाना, नन लाइक मोरी से डेवलपमेंट नहीं बोलते, डेवलपमेंट असरा दवाखाने आवेसी पे लिख के लगाओ कि गरीबों के वास्ते इलाज फ्री, दारुसलाम बैंक पे लिख के लगाओ कि जो है सोने के ऊपर जो सूद घरों का घर जो रखे थे वो आपके गरीबों के घर नहीं खींचेंगे, हम आपको जो है बगैर सूद लिए के वापिस दे देंगे। अभी ये दिसंबर की 31 तारीख आखिरी तारीख है कहते, मैं तो सोना डूब जाता हरा हर्राज कर देते, बल्कि नोटिस आ रहे पूरे, कई लोग बैठे हुए सोने की चिट्ठियां ले लेके, सूद की रकम बढ़ गई, तो 12% इंटरेस्ट है, 13% 14% 14% मेरी सॉरी 14% बस पे 15% भी देखा वो रसीद में 15% इंटरेस्ट है, तो हम का वैसा खून चूस ले रहे, सोना खींच ले रहे, सब खींच ले रहे हम का, फिर बोल रहे हैं कि हम कौम की खिदमत करते, रात दिन ये खिदमत करते।